सबसे पहले बालाघाट के जनता के जितना लोग भी आए बा हम खेसारी लाल यादव सबके चरण छू के चढ़ा रहे हैं। जिंदगी में हमने के मैं संघर्ष जोर बाना पहले खुद के बड़ा करे खातिर है। आजकल अपना जनता के जो गरीबी जो व्यवस्था बा ओकरा के सुधारे खातिर भी हमने के फील्ड में आवेल मजबूरी हो गई बा। अगर हमने के नेता अगर काम करे थे तो हमने काहे के पड़ी। आज जिंदगी में पवन सिंह जो संघर्ष का नाम है हमारे लिए पवन सिंह क्यों जरूरी है इसलिए कि वो गरीबों की आवाज है। वो एक इंसान ही नहीं आप सबका राजा है। हमने पवन भैया से बहुत कुछ सीखा है और मैं ही नहीं बल्कि मेरे से जितने भी भाई हैं हमारे छोटे सबने सीखा है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। पवन एक इंसान ही नहीं एक हवा है। पवन सिंह जी का भी आगमन हो गया। दोनों अपने लोगों को चलिए थोड़ा पीछे भी अच्छा अपने लोगों सभी लोग आराम से रहेंगे थोड़ा सा पीछे। मैं चाहता हूं कि बड़ा माला पिंटू सिंह जी संजय जी जय बिहारी जी विनय सिंह जी मंटू भोजपुरी के स्वाभिमान को माल्यार्पण करके सम्मानित करेंगे। थोड़ा पीछे हट जाइए आप लोग। आदरणीय अमित भैया थोड़ा पीछे चलिए। आइए 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 आपका भी स्वागत है। आइए आज आज कितना अच्छा लगा था ए भाई 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 हम लोग इतना नहीं सोच पाते हैं हमारे चाहने वाले तरह
के नाम ना सुन रहे हैं। ऐसा लागत था कि पूरा हिंदुस्तान में चुनाव खाली एक ही जगह होता और कारा काट में होता। एक आदमी के पीछे करे खाती पूरा मंत्रालय कारा काट आ गए। मंत्रालय का विदेशों से लोग आई तब कहो तो फर्क पड़े के नहीं के पवन सिंह के। जिंदगी में हम लोगों ने बस संघर्ष किया है। पोस्टर चिपकावला से लेके कावला से लेके बसावला से लेके, लेकिन आज इस आदमी ने इस राजा को इस प्रजा के लिए अगर कुछ करना है तो इस प्रजा को भी राजा को राजा की तरह जिताना पड़ेगा। अतुले सुना ले तुला घोट से नहीं खेती तवे के निर्विरोध निर्दलीय कर देवे करा कि अतना नाम रखे गए उतने घोट से आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं जीता। और ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ महीना भर नहीं चुनाव भर नहीं बल्कि लगातार संसद भवन में सिर्फ काराकाट का नाम गूंजे और काराकाट का विकास का नाम गूंजे तो जिंदगी में हमारे पास हमारी ताकत आप सब है और आपका प्यार हमारी ताकत है। अगर हम गरजते हैं है कैंची के मतलब बुझा कर लो पातला जाना कटई है टी शर्ट बनावल जाइए जामा बनावल जाइए यही कैंची से काटब जा दोनों भाई मिल गए। तो बस आप सबके प्यार के लिए आया हूँ और कोशिश करिए कि मैं अब हर महीने यहाँ पे आऊँ अपने भैया के स्वागत करने के लिए और हर महीने खेसरी आकर यहाँ कार्यक्रम करें। जैसे आप लोग भैया को भोट देंगे मैं आके करूंगा टेंगे टेंगे जल्दी भी आ रहा हूँ इसलिए इनका काम है आप सबका विकास करना मेरा काम है अभी सिनेमा करना। जब ले बीजी बड़े तले हम संभर ले बने 7 तारीख के हमारे सिनेमा रिलीज होता जाना के नाम पर रंगदेव शमसी जो की बहुत बड़ा सिनेमा वा। तो हमारे भाई इधर आप लोगों के प्यार के लिए आप लोगों के विकास के लिए लड़ रहा है और एक छोटा भाई है जो भोजपुरी को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने हम दोनों भाइयों को और सारे भाइयों को बहुत बड़ा बनाया। ये आदमी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं नहीं बल्कि मुझे लगता है कि विश्व के सारे धरती पे इस आदमी का गाना बजता है भोजपुरी बजता है हमारा भाषा बजता है। तो सोचिए कि जिस दिन ये आदमी एक सांसद बनेगा सोचिए कि हिंदुस्तान है ना अमेरिका तक ले कारा काट के विकास पूजी हमारी जो माता बहन बेटी है ये चाची तू कहे के घुस गई है।